मैं समाजशास्त्र का प्राध्यापक हूँ और समाजशास्त्र का विद्यार्थी भी हूँ, तो मैंने अपने टॉपिक के लिए जो विषय चुना है, जो मेरा विषय है, वो भी सामाजिक ही है। चाहे मैं अंतःक्रिया की बात कर लूँ, चाहे सामाजिक संबंध की बात कर लूँ, या फिर चाहे मैं सामाजिक समस्या की बात कर लूँ, उसी सामाजिक समस्या से मैंने एक समस्या ले लिया है और ये आपके सामने स्क्रीन पे है, यौन प्रधान फिल्म और भारतीय समाज। जब से हम लोग यहाँ पहले दिन आए हैं, पहले दिन से तिवारी जी ने बस एक बात बताई है, वो बताई है आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, आपको ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ानी है, आपको मूक्स बताना है, जितने भी कोर्सेज हैं वो सब ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन का मतलब उनका कहने का सेंस ये है कि पर्दे पर कुछ दिखाया जाएगा, चाहे वो बड़ी स्क्रीन का होगा या टेलीविज़न का होगा, दिखाया पर्दे पर ही जाएगा, और पर्दे पर जो दिखाया जाएगा उसमें ऑडियो और विजुअल दोनों होंगे, और जब वो दोनों होंगे तो काफ़ी प्रभावशाली होंगे। अब वो प्रभावशाली होंगे तो बच्चों को समझ में आएगा। तो मेरी जो समस्या है उसी प्रभावशीलता से ही है कि पर्दे पर आप जो कुछ भी दिखा देंगे, अगर उसकी प्रभावशीलता निगेटिव हो जाए तब क्या होगा। तो यहाँ दूर दराज के गाँव में बैठा हुआ बच्चा भी टेलीविज़न देखता है और समय मिलता है तो भाग के सिनेमा हॉल में जाता है और फिल्म भी देखता है, तो मेरी समस्या भी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। टॉपिक है मेरी यौन प्रधान फिल्में। तो पहले ही मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँगा दूसरा सोचेगा कि भाई हर चीज़ चाहे सत्य हो या धर्म हो सब सापेक्षिक होता है, किसी एक चीज़ की परिभाषा आप क्लियर कट नहीं दे सकते कि ये यही चीज़ होती है। इसलिए मैं जानता हूँ कि भाई साहब लोग पीछे से कुछ पूछ न दें, इसलिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से मैं जो समझ रहा हूँ यौन प्रधान फिल्मों से मेरा तात्पर्य सिर्फ उन फिल्मों से है जिन फिल्मों में अगर अश्लीलता और अश्लीलता वो डिपेंड करता है अपने ऊपर, कितना किसके कौन कितना उसको ऑब्जर्व करता है। कोई भी अश्लील चित्र हो, चलचित्र, चूँकि फिल्मों की बात हो रही है, कोई भी अश्लील चलचित्र हो, या फिर कोई अश्लील या द्व्यर्थी संवाद हो, डायलॉग्स हो, या तो फिर कोई अश्लील नृत्य या संगीत हो, जो गाना हम सुनते हैं उसको भी आप डेली सुनिए तो कुछ न कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा। पहले तो उनको सुनने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की यौन विकृति जन्म ले लेती है या यौन उत्तेजना आती है, तो मेरा संबंध सिर्फ उन फिल्मों से है। अगर संवैधानिक रूप से बात कर लें तो हमारे यहाँ भारतीय सेंसर बोर्ड है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जो ये प्रमाणित करता है कि कौन सी फिल्म एडल्ट होगी कौन सी एडल्ट नहीं होगी, यूनिवर्सल होगी। तो एडल्ट्स के लिए उसने एक क्राइटेरिया रख लिया है कि वो फिल्में जिनको ए सर्टिफिकेट दिया गया होगा, ए सर्टिफिकेट का मतलब एडल्ट, यानी जिनकी उम्र अभी 18 वर्ष से ऊपर होगी, ऐसी फिल्मों में वो कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि आप परिपक्व हैं और आप कुछ भी देखने और सुनने के लिए तैयार हैं। तो अभी मैं जिन टॉपिकों पर बात करूँगा, ये इतनी टॉपिक मेरे सामने है, इसी पर मैं अपना रखूँगा अपना पक्ष। सबसे पहले सिनेमा एक शक्तिशाली संचार साधन के रूप में, अब सिनेमा की बात हो रही है तो कैसे वो शक्तिशाली हो जाता है, आप जान लीजिए कि एक शब्द की तुलना में, अगर आप बार बार कोई शब्द बोलते हैं उसकी तुलना में अगर किसी चीज़ को आप दिखला देंगे तो 1000 गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, होता नहीं इसलिए कोई पूछेगा नहीं, इसका प्रमाण दीजिए, वो हो सकता है। अगर उसमें आपने ऑडियो डाल दिया तो और प्रभावशाली हो जाता है। दो बात स्पष्ट हो गई ना, सिनेमा की खासियत होती है कि ये जब चलता है ना तो देखेंगे आप लोग सिनेमा हॉल पूरा का पूरा अंधेरे में डाल दिया जाता है ताकि आप लोग अपने आप को उससे बड़े अच्छे तरीके से को रिलेट कर लें। शायद यही कारण है कि पिक्चर में हीरोइन से पहले लोग रो देते हैं, और विलन को मारने से पहले अगर विलन को हीरो नहीं मार पा रहा है तो सोचते हैं कि हम ही मार देते कूद करके, और जब मारने लगता है तो ताली बजाने लगते हैं। कारण उसका एक ही होता है कि अंधेरे बंद कमरे में आप पूरी तरीके से सिनेमा से अपने आप को आत्मसात कर लेते हैं। जब आप उसमें पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं, उसमें जो कुछ भी चलता है तो फीलिंग ये आती है कि हम ही हैं। सारे अच्छे कामों में हम अपने को ढूंढ लेते हैं और बुरे कारण में विलन को खोज लेते हैं, चाहे हमारा काम उस समय जो भी होता हो। उसके बाद इसके परिप्रेक्ष्य बात कर लेते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में सिनेमा का महत्व कैसे है। इतना आप जान लीजिए कि आप कितना भी बड़े विद्वान क्यों न हो जाएं, स्वामी विवेकानंद जी सब लोग जानते हैं, बड़े अच्छे विचारक रहे, बड़े विद्वान भी थे, लेकिन सब लोग तब जान पाए जब उन्होंने शिकागो सम्मेलन में जाके भाषण दिया और वहाँ की पत्रिका ने वहाँ के पेपर्स ने लिखा कि इस पूरे सम्मेलन के सबसे अच्छे वक्ता जो हैं वो जो है स्वामी विवेकानंद जी थे। तब हम भारतीयों को पता चला रही है तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, क्योंकि वहाँ से उन्होंने बोल रखा था। तो मैंने भी इसीलिए लिख दिया यहाँ पर कि डोडोना रिसर्च है, ये एक एजेंसी है, ये एक ऐसी एजेंसी है जो फिल्मों में जितनी भी सिनेमा टिकट पर कितने खर्च हुए, एक फिल्म की कास्टिंग पर कितना खर्च होता है, वो सब मिला करके वो अपना रोज ब्यौरा देती रहती है कि भाई फिल्म को बनाने में कितनी लागत लगी, कितना लाभ हुआ। तो डोडोना रिसर्च जो कहती कि भारतीय जो होते हैं 225 करोड़ लोग पर डे तो फिल्म देखते हैं, ये सिनेमा हॉल में जाके देखते हैं। दूसरी बात, ये $2 बिलियन लगभग सिनेमा टिकट पर एक साल में खर्च कर देते हैं।
और इतना भी जान लीजिए कि भारत में लगभग 13,000 से ज़्यादा सिनेमाघर हैं जिसमें हिंदी में ही फिल्म नहीं बनती, अंग्रेजी में बनती है, मलयालम में बनती है, तेलुगु में बनती है, कन्नड़ में बनती है, और तो और आपके भोजपुरी जो है इसमें भी बनती है, बंगाली है और पंजाबी है, गुजराती है, सारी भाषाओं में फिल्में बनती हैं यहाँ पर, इसीलिए इसका भारतीय परिप्रेक्ष्य में महत्व हो जाता है। और तीसरी बात है ठीक है हम ही बोल लेते हैं, हाँ अगर आगे चला गया तो कोई बात नहीं है, मेरे पास स्लाइड और इसमें तीसरी बात यह है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये जो मध्यम वर्ग है भारतीय समाज, हम मध्यम वर्ग इसलिए कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो आम जनमानस है वो इतना धनवान नहीं होता है कि बड़े बड़े कंसर्ट होते हैं, जैसे कहीं कहीं आप देखते हो कभी सम्मेलन हो गया तो बड़े लोग कभी सम्मेलन में लोग चले जाते हैं, कहीं पर आप देखेंगे बाहर से विदेश से कोई गाने के लिए आ गया तो उसे गाना सुनने के लिए चले जाते हैं, तो हमारी जेब इतनी मजबूत नहीं है कि हम जाकर दे सकते हैं। हमारी मतलब इन द सेंस मेरे कहने का सिर्फ ये तात्पर्य कि जो आम भारतीय नागरिक है जो मध्यम वर्ग का है तो उसके लिए मनोरंजन के रूप में सिनेमा ही बचता है जो वो देखता है, क्योंकि वो उसको सबसे सस्ता और सुलभ साधन के रूप में उसके पास मौजूद रहता है। अब भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ का जो भारतीय सिनेमा है इसका इतिहास भी विश्व इतिहास के लगभग बराबर का है। एक डेट लिखी है इसमें 1896, ये बंगाल में उस समय शासन था लॉर्ड एक्जिन का, उस समय वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और लगभग 20,000 लोग इफेक्टिव होते हैं, उसमें से 5,000 लोग सोलापुर में एक मालगोदाम है उसमें चले जाते हैं, हमला कर देते हैं, खाए बिना मर रहे थे तो जाकर के हमला करके वहाँ से अनाज और लूटते हैं, फलस्वरूप क्या होता है कि वहाँ बर्बरता होती है और जो वहाँ की पुलिस होती है उसमें अपना गोली चलाती है, कुछ लोग मरते भी हैं। इसी को कैप्चर करने के लिए, कैमरे में कैद करने के लिए फ्रांस में दो भाई थे, एक आगस्ट और लोई, दोनों लुमियर बंधु कहा जाता है, वो लुमियर बंधु भारत आते हैं और उस समय विश्व के सबसे अच्छे सिनेमेटोग्राफरों में से वो दोनों एक थे, वो दोनों आते हैं इसको कैप्चर करते हैं। अब कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो भारतीय सिनेमा इतिहास के लिए मील का पत्थर हैं। इसमें पहली जो तिथि है वो 7 जुलाई 1896 मुंबई के वाटसन होटल में वो जो सिनेमेटोग्राफर वो जो लुमियर बंधु थे अपना पिक्चराइजेशन करते हैं, फिल्म दिखाते हैं सबको, जिसका टिकट रखा गया था 1 रुपये, जो 400 चलता था, 6-7 उसके बाद 9-8 और 9, 6-7 उसके बाद 9 और 10, वहाँ 1 घंटे का ब्रेक रखा गया था, वो फिल्म चलाते हैं वहाँ पर। और पहली बार जब अगले दिन सुबह होती है तो न्यूज़पेपर में आता है कि ये पूरी शताब्दी का चमत्कार है, यानी पहली बार लोगों ने चित्रों को चलते हुए देखा था, जिसमें बच्चों को खाना खाते हुए देखा था, फैक्ट्री से मजदूरों को निकलते हुए देखा था, इस प्रकार से भारत ने पहली बार चित्रों को चलती अवस्था में देखा था, तो वो पहला मील का पत्थर था। दूसरा है, आप सभी लोग जानते हैं, ये 3 मई 1913, ये दादा साहब फाल्के जिनका नाम आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये दादा साहब फाल्के की फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। ये फिल्म ऐसी थी जो मूक बहिर थी, वो बोलती नहीं थी, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने आप को व्यक्त कर पाती थी। तीसरी फिल्म वो जो तीसरा पॉइंट है वो है 4 मार्च 1931 को आलमारा आती है। आलमारा के बारे में आप जानते हैं कि भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी। ठीक, दो और फिल्में हैं, एक 1957 में आती है मदर इंडिया, अभी मैं बीच में एक छोड़ दिया हूँ बताता हूँ, 1957 में आती है मदर इंडिया। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म थी और औरत को केंद्रीय भूमिका में रखकर बनाई गई फिल्म थी, लेकिन ये पहली ऐसी भारतीय फिल्म थी जिसमें नृत्य था, संगीत था, हिंसा थी, अश्लीलता थी, सब भरा पड़ा था, लेकिन केंद्रीय भूमिका में औरत को ही रखा गया था। इसीलिए जो मदर इंडिया है इसी को भारतीय फिल्मों की जननी कहा जाता है, क्योंकि इसने कैनवास को बदल दिया था पूरे। एक जो टॉपिक मैंने छोड़ दिया है 1933 इस फिल्म के बारे में आप लोग जान लीजिए, क्योंकि मेरी जो टॉपिक है वो इसी फिल्म से रिलेटेड है। 1933 में एक फिल्म रिलीज होती है कर्म, फिल्म में जो हीरो है उनका अभिनेता, हीरो मतलब अभिनेता है मेरा सेंस यहाँ, जो अभिनेता है उनका नाम है हिमांशु राय और जो उसकी अभिनेत्री हैं वो देविका रानी है। इन दोनों लोगों के, वो दोनों पति पत्नी हैं फिल्म में, इन दोनों लोगों के बीच के जो अंतर संबंध हैं उनको दिखाने के लिए हिमांशु राय ने 4 मिनट 8 सेकेंड का एक किसिंग सीन रखा था जो पति पत्नी के बीच में उस टाइम हुआ था जो अब की फिल्मों में होता है। वो 4 मिनट 8 सेकेंड चला था, बाद में उनकी आलोचना हुई कि चूंकि पहले भारत इतना जल्दी तैयार नहीं था ऐसे सीनों के लिए, तो ऐसे सीन्स की जब आलोचना होने लगी तो उन्होंने बचाव में ये कहा था कि मेरी जो फिल्म है वो एक इंटरनेशनल फिल्म है, मैंने भारतीयों को ही ध्यान में रख के नहीं बनाई है बल्कि मैं विश्व में सबको दिखा सकूं इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई है, क्योंकि वो फिल्म जो थी वो इंग्लिश भाषा में भी डब थी। इसी की आड़ में वो बच जाते हैं। उसके बाद
उसके बाद एक्सकिनर अब ये आ गया, यौन प्रधान फिल्में और वर्तमान दशा सभी लोग जानते होंगे यहाँ से, जो 1933 में एक सर्जक के रूप में हिमांशु राय ने जिसका प्रयोग किया था, उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि 70-80 वर्ष बीतते बीतते सिनेमा कितना विकृत रूप ले लेगा। एक नाम लिखा है मैंने यहाँ सनी लियोनी का, और फिल्म का नाम लिख दिया मैंने करणजीत कौर करके, उनकी अपकमिंग फिल्म अभी आई नहीं है, अभी आने वाली है। मैंने सनी लियोनी का नाम इसलिए कि यहाँ पर हमारी जो फिल्म इंडस्ट्रीज में भट्ट कैंप है, भट्ट का मतलब महेश मुकेश और उनकी बेटी पूजा भट्ट से मेरा मतलब है, ये तीनों ने मिल करके खूब एक्सपेरिमेंट किए हैं फिल्मों पर, उसमें चाहे नज़र हो, चाहे पाप हो, चाहे मर्डर हो, चाहे जिस्म हो, चाहे जिस्म टू हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। सर हंस रहे हैं, जय कुमार सर भी पूछेंगे उन्हीं से कुछ। तो मैडम को टाइप करने नहीं आता, जो कराया होगा वो अपना जानता होगा, मैं बोल सकता हूँ जो बात स्पष्ट हो समझ लीजिए। तो जो सनी लियोनी है, कुल मिला के मेरे भाव को समझिए, शब्द को मत पकड़िए। अरे सर एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है सर। तो ये जो सनी लियोनी भी, वो भी महेश भट्ट की कैंप की हैं, उन्होंने इसको भारत में लाया है, जबकि सभी लोग जानते हैं वो एक पोर्नोग्राफर थी, उनका फिल्म से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनके आगे भी जब लगता है तो लोग कहते हैं पोर्न स्टार। अब पोर्नोग्राफी वाला भी स्टार है, शब्द का खेल देखिए। अब वो फीता भी काटती हैं, फीता मतलब वो जाती हैं कहीं कहीं देखते हैं, हाँ शॉपिंग मॉल हो, मंदिर में भी प्रवेश करती हैं, उसका भी फीता काट सकती हैं, क्योंकि उनको मिल गया है, अब भाई परसेप्शन मिल गया कि आप जाइए जहाँ चाहिए वहाँ बोल सकती हैं। तो ये दिया किसने? हम लोगों ने दिया है। अभी एक फिल्म का इसमें मैंने और जिक्र कर दिया, सेक्रेट गेम्स से भागसी देश पांडे हैं, ये अभी भी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन रिलीज होने से पहले इंटरनेट पर ये वायरल हो गई है। कारण ये था, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इस फिल्म में आप ही हैं या किसी ने आपके जो इमेज है उसके साथ छेड़छाड़ की है, वो कहते नहीं मैं ही हूँ इस फिल्म में, मैं ही हूँ, और पति पत्नी के अंतरंग संबंधों को दिखाने के लिए ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कौन देखना चाहता है? वो दिखाना चाहते हैं या हम देखना चाहते हैं? अभी मैं बात बता देता हूँ कि वो दिखाना चाहते हैं, हम सच में देखने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। एक और हैं कियारा आडवाणी, ये लस्ट स्टोरी अभी आप देखे होंगे, कुछ लोग देखे होंगे, वो करण जौहर भी उसमें और जोया अख्तर है, कई लोग हैं जो मिलकर बनाते हैं, अनुराग बसु हैं, उसमें से एक मास्टरबेशन सीन आता है कियारा आडवाणी का, और पूरी सीन में करण जौहर को सिर्फ वही सीन पसंद आता है जिसके कारण करण जौहर ने उनको अगली दो फिल्मों के लिए साइन कर लिया। मतलब यह है कि बॉलीवुड में सिर्फ एक चीज बिकता है, वह है सेक्स, वह इसी का धंधा करने आए, उसी को बेचने आए। दूसरी बात आती है यौन प्रधान फिल्मों की स्वीकारता, दृश्य संगीत संवाद से लेकर संवाद तक। मैं अब आप लोगों से और अपने आप से पूछता हूँ, आप लोगों को याद होगा जब आप शुरुआती दौर में फिल्म देखा करते थे, टीवी एक ही हुआ करती थी घर में, हम लोग बैठे रहते थे, पिक्चर जब चलती थी कुछ इस प्रकार के प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच के सीन आते थे, तो हम लोग ये सोचते थे कि घर का जो बड़ा सदस्य है या तो वो उठ के चला जाए या तो हम ही उठ के चला जाए। हालांकि हम कोशिश ये करते थे कि हम ही बैठे रहें, यही उठ के चला जाए, कोशिश तो हमारी यही रहती थी, तो हम वहाँ बैठे रहते थे उसको देखने के लिए। कारण ये था कि हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आज हम भी बैठे रहते हैं, हमारी बहन भी बैठी रहेगी, हमारी बेटी बैठी रहेगी, हमारा बच्चा बैठा रहेगा, सब एक साथ उस फिल्म को देखते हैं। कारण यह कि बार बार जिस इमेज को आपको दिखाई जाएगी उसके प्रति से आपके मन में जो भी दुर्भावना रहेगी वो भी समाप्त हो जाएगा, जो आकर्षण रहेगा वो भी समाप्त हो जाएगा। आपको लगा ये तो जनरलाइज है, जनरल सी बात है, हम उसको जनरल सी बात मान के आगे बढ़ जाते हैं। तो दृश्य हो, संगीत हो, दृश्य हो, संवाद हो, संगीत हो, वो सब के सब आते हैं। अभी हंस रहे थे, मैंने फिल्म का नाम लिया था अभी सर से, इसीलिए मैंने कहा बाद में बात करता हूँ। आपने मस्ती देखी है सर? मस्ती सर जय कुमार सर से पूछ रहे हैं, नहीं देखी है? ग्रैंड मस्ती देखी है? नहीं देखेंगे भी नहीं, हम जानते हैं आप साइकोलॉजिस्ट हैं ना, नहीं देखेंगे। क्या कूल हैं हम? सुपर कूल हैं हम? नहीं देखे हैं ना? एक फिल्म आई थी स्कूल टीचर, बाद में आई BA पास, उसके बाद MA पास, अब PhD वाली बची रह गई है, वो भी आएगी सर जल्दी। अब मेरी बात सुनिए, मैंने जिन फिल्मों का नाम लिया है ये सब के सब एडल्ट फिल्में थी, और इनमें से मैक्सिमम लोगों ने देखी हैं, लेकिन इस निगाह से नहीं देखी कि वो एडल्ट फिल्म देख रहे थे, वो एडल्ट फिल्म देख रहे थे, उन्होंने इस निगाह से नहीं देखी, क्योंकि जब पर्दे पर सिनेमा चलता है तो कोई पढ़ने नहीं जाता वो किस कैटेगरी की फिल्म है। मैं जानता हूं कि आप लोग एडल्ट हैं इसलिए ऐसी फिल्मों को आप देख सकते हैं, लेकिन वही फिल्में रात को टेलीविजन पर भी आती हैं और दिन में टेलीविजन पर भी आती हैं। ऐसा नहीं कि मर्डर नहीं आई, जिस्म नहीं आई टेलीविजन पर, ऐसा नहीं है कि क्या सुपर कूल हैं हम नहीं आई, या फिर इस प्रकार की कोई फिल्में नहीं आती, वो भी आती हैं, लेकिन एडल्ट फिल्में बच्चे भी देखते हैं और दिखाया भी जाता है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तो हम इसके लिए शायद तैयार हैं, तभी वो दिखाई जा रही है। सर थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, सर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है सर।
तो मैं सेंसर बोर्ड पे आ जाता हूँ। ऐसा नहीं कि इन फिल्मों को चलने दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि इन फिल्मों को चलने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है 19(1) के तहत। अगर आपको आज़ादी है कुछ भी बोलने की, कुछ भी लिखने की, कुछ भी दिखाने की, तो ठीक है। लेकिन 19(2) के तहत इसको प्रतिबंधित भी कर दिया गया है, यानी आप बहुत सारी चीज़ों को आप लिख नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। हालांकि उस प्रतिबंध के बावजूद भी, मेरे कहने का यही मतलब कि इतने प्रतिबंध के बावजूद भी कैसे सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को पास कर देता है। यहाँ सेंसर बोर्ड की स्थापना होती है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 1983 में इसका नाम बदल के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड कर दिया जाता है। ये फिल्म प्रमाण पत्र की श्रेणियाँ जो सेंसर बोर्ड देता है, कुछ भी अनावश्यक रहता है तो कमेटी बैठती है, 9 से 12 सदस्य या 25 सदस्य हो सकते हैं, फिर एक सेंटर उसका अध्यक्ष होता है, तो कुछ भी अनावश्यक रहेगा वो उस पर कैंची चला देता है, उसको काट के फिर से फिल्म को रिलीज़ किया जा सकता है। तो जो सर्टिफिकेट देता है उसमें पहला है यूनिवर्सल, यानी सार्वजनिक। इस कैटेगरी की फिल्मों को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब लोग देख सकते हैं। दूसरा जो है वो यूए कैटेगरी की फिल्में, ज़्यादातर फिल्में इसी कैटेगरी की रिलीज होती हैं। यूए का मतलब होता है यूनिवर्सल बट एडल्ट, यानी कि ये सार्वजनिक फिल्म है लेकिन 12 बरस से कम उम्र का अगर बच्चा है तो अभिभावक के उपस्थिति में ही वो फिल्म देख सकता है, उसके गाइडेंस में। और तीसरा है एडल्ट, जिसको आप जानते हैं कि वयस्क लोग देखते हैं। और चौथा है यस कैटेगरी की फिल्में, ये जो विशेष फिल्में होती हैं, जैसे मान लीजिए कैंसर का इलाज दिखाना हो, सर्जरी दिखानी हो, तो डॉक्टर देखेगा, हम लोगों के देखने से कोई मतलब नहीं बनता, तो वो उन लोगों के लिए होती है। अब बात आ जाती है यौन प्रधान फिल्मों का समाज पर प्रभाव। सबसे बड़ी बात है समाज और सिनेमा की पारस्परिकता। अभी किसी डायरेक्टर से पूछ लेंगे, अभी रविशंकर सर आए थे तो बता रहे थे कि हम लोग कैसे मनोविज्ञान पढ़ लेते हैं और लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। बिल्कुल सही कर रहे थे, वो भ्रम में ही डालते हैं। देखिए कैसे वो पारस्परिक होते हैं। उनसे अगर पूछ लिया जाए कि आपने ऐसी फिल्म को बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि समाज के सोसाइटी पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो वो तुरंत उसका उत्तर कह देंगे कि हमने समाज से ही तो सीखा है, जैसा सोसाइटी में हो रहा है मैंने वैसा दिखा दिया। सही बात है, जैसा सोसाइटी में हो रहा है आप दिखा सकते हैं, लेकिन हम दो लोग मिलकर चोरी करेंगे तो तीसरे को बताएंगे, चौथा बताएगा, इसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन एक ही बार में अगर पर्दे पर किसी चीज़ को हम दिखा देंगे ऑडियो विजुअल के साथ, तो उसका जो प्रभावशीलता वो भी बढ़ जाएगी, उसकी व्यापकता भी बढ़ जाएगी। तो ये पारस्परिकता है कि उसका दोष, यानी सोसाइटी दोषी है या फिर वो दोषी है, दोषी हम दोनों हैं। अगर फिल्म वाला प्रोड्यूसर दोषी है, डायरेक्टर दोषी है, समाज भी दोषी है जो इसको एक्सेप्ट कर लेता है बड़े आराम से। एडल्ट फिल्में चलती हैं, बच्चों को हम दिखाते हैं, हमें सब जनरलाइज लगता है कि बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सामान्य सी बात है। तो जो सामान्य सी बात है वो हमारे लिए खतरनाक है। दूसरी बात है वही बात, जब से विदेश से कुछ लेके नहीं आएंगे तब तक बात प्रूफ नहीं होगी। तो 1969 में अमेरिकी सीनेट में एक रिपोर्ट रखी जाती है, रिपोर्ट का नाम था द वायलेंस एंड मीडिया। वो देखते हैं कि अमेरिकी बच्चों के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन सा हो रहा है, तो ये परिवर्तन का कारण क्या है। उसके परिवर्तन के कारण वो टेलीविज़न पर बार बार दिखाई जाने वाली हिंसा को मानते हैं। दूसरी जो उदाहरण मैंने रखा है वो ब्रिटेन के एक फिल्मकार हैं क्यूब्रिक, स्टेनले क्यूब्रिक लगता छूट गया उनका नाम, उनकी फिल्म का नाम है एक क्लॉक वर्क ऑरेंज। ये फिल्म जब प्रदर्शित होती है उसके कुछ दिन बाद ही, जिस प्रकार से इस फिल्म में हिंसा को अंजाम दिया गया था, ठीक उसी प्रकार की हिंसा लोगों ने भी प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। कुछ उसी तरह से जैसे बच्चे जब स्वाभिमान देख लेते थे तो लगते थे घूम घूम खेलने और गिर जाते थे कहीं से, कुछ उसी प्रकार से। और जो तीसरा है, ये फिल्म वाला भी जानता है कि पोर्नोग्राफी कितनी खतरनाक होती है, कैसे आप अश्लील चित्रों के माध्यम से लोगों की मनोवृत्ति को परिवर्तित कर सकते हैं। तो श्रीलंकाई फिल्म महोत्सव में एक फिल्म दिखाई जाती है भैंसा, इसको थोड़ा सा एक मिनट बोलेंगे इस पर। वो फिल्म था, एक अनपढ़ गांव का है, वो दही बेचने के लिए जाता है, वो अकेले रहता है पूरे गांव से कट करके, एक अलग झोपड़ी बना के रखता है, झोपड़ी में चारों तरफ से वो अश्लील जो चित्र होते हैं वो लगा के रखता है, वो अलग सी फैंतासी की दुनिया में जीता है, उसकी दुनिया ही उतनी रहती है। और वो जो उसके मन में चल रहा होता है, जो यौन विकृति है, वो उसी को प्रेम समझता है। वो रास्ते पर जा रहा है, एक टीचर है, वो रास्ते पर जा रही है, उसको वो अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, वो बैलगाड़ी चलाता है तो भैंसा गाड़ी उसका नाम था, तो अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, वो नहीं बैठती, जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। टीचर उसको देखती है और सोचती है कि ये विक्षिप्त टाइप का इंसान है, तो उसको देख के कभी उसको दया भी आती है लेकिन उसके इस व्यवहार से उसे घृणा भी आती है। वो रास्ते में ले जाता है, उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद महिला उससे एक सिर्फ एक बात कहती है कि आखिर हो तो तुम एक जंगली भैंसे ही। उसके बाद वो आता है और अपने आप को आग लगाता है और मर जाता है। कारण वो समझता है कि मैंने जो किया है वो बहुत गलत है। उसने किया क्यों था, क्योंकि वो अलग सी फतानसी दुनिया में जीता था, उसको लगता था जो मैं ये कर रहा हूँ यही प्रेम है। उसको ये क्यों समझाने वाला था, कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन जो चित्र टंग के रखा था वो उसकी मनोवृत्ति को बार बार प्रभावित करती थी। हिटलर और गांधी जी का मैंने नाम लिख लिया कि आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे कि गांधी जी कहते थे कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म मैंने बचपन में देखी और उसके बाद मैं भी जो है उसमें बहुत सारे जो वो थे
सत्य बोलना और अहिंसा का पालन करना वो मैंने सीख लिया। हिटलर का नाम मैंने इसलिए लिखा कि अगर संचार के साधन का दुरुपयोग होगा, अगर लोग संचार के साधनों को दुरुपयोग करने पर उतर जाएंगे तो वो किस प्रकार से विकृत कर देगा देश को, वो हिटलर उसका उदाहरण है। क्योंकि रेडियो से सबसे पहले लोगों की मनोवृत्ति परिवर्तित करने का काम हिटलर ने किया था। वो मन की बात करता था अपना टेलीफोन से, फोन से करता था, रेडियो सुना देता सबको। और अब सर लास्ट है, अब क्वेश्चन हम लोगों से है। जब हम ऐसा नहीं है, अर्थशास्त्र वाले जानते हैं उपयोगिता ह्रास नियम, उपयोगिता ह्रास नियम लगता है, समय बदलता है, उसकी अंतिम इकाई से लोगों को ह्रास होने लगता है, पीढ़ी बदल जाएगी, तो हमारी पीढ़ी हमसे पहले पूछेगी कि बोलो जब इस प्रकार की यौन विकृति वाली फिल्में आती थी तो तुम लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। प्रेमचंद्र जी को लगा था 1939 में, वो कहते थे कि भारतीय फिल्म उद्योग में अगर आप चाहें कुछ भी दिखा करके, कुछ भी वो नृत्य नंगे नृत्य का प्रदर्शन करके आप देश को बर्बाद कर देंगे तो हमारी संस्कृति भी बड़ी मजबूत होती है। लेकिन तब से लेकर के अब तक हमारे देश की संस्कृति में इतने मट्ठे डाल दिए गए हैं कि अब उसका भी अब संस्कृति जो है, संस्कृत के पैरलर जो चल रही है, जो पश्चिमी देशों से प्रभावित है, वो जो अब संस्कृति है, अब वो भी उसके ऊपर हावी हो सकती है। अब प्रेमचंद्र जी का जो भारत है वो शायद बदल सकता है, इसके लिए हम दोषी हैं। दूसरी बात एक जो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसमें एक गाना आया था 1993 में, खलनायक फिल्म गाना है ना ये, चोली के पीछे क्या है, यही था ना, ये सुभाष घई पूछते हैं और पूरे राष्ट्रीय मंच से पूछते हैं। निश्चित ही कला में सृजनशीलता होती है, कला सृजनशील ही होता है, सर भी बैठे हैं कला के, तो कला में सृजनशीलता होती है। लेकिन फिल्म जो मुंबई का फिल्म उद्योग है वो सृजनशील नहीं है, वो कला नहीं कौशलता है। कौशलता किस बात की, कि एक मामूली से शब्द को उठाते हैं चोली के पीछे क्या है, उसे भारत का राष्ट्रीय महाप्रश्न बना देते हैं और लोग इसका उत्तर देने के लिए सिनेमा थिएटर्स में जाते हैं। चोली के पीछे है असल में अश्लीलता का अर्थशास्त्र, उसके पीछे है प्रॉफिट मुनाफा। अगर सुभाष घई को इस गाने से प्रॉफिट है तो वो इस गाने को बार बार बनाएंगे, बार बार चलाएंगे और बार बार दिखाएंगे। तीसरी बात है, वो मानवाधिकार संगठन कहाँ है। मानवाधिकार संगठन की बात इसलिए आती है कि स्त्री विमर्श पर सबसे ज़्यादा अगर कोई विमुख होकर सामने आता है तो वही रहता है। तो क्या जब बड़े स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर या टेलीविज़न पर बार बार स्त्री की ऐसी छवि पेश की जाती है, तब जो ये वुमेंस मूवमेंट वाले हैं उनको दिखलाई नहीं पड़ता है, उनको भी दिखलाई पड़ना चाहिए। और लास्ट में एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ जाता हूँ, यौन प्रधान फिल्मों से देश का भविष्य तय हो रहा है। अगर तय नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप ही कुछ करना पड़ेगा और आप ही को इसे बंद कराना पड़ेगा। थैंक यू।